पुलिस अधीक्षक बलौदा बाजार इंदिरा कल्याण एलएसएला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीताम्बर पटेल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भाटापारा सिद्धार्थ बघेल द्वारा लगातार हो रहे मादक द्रव्य की तस्करी बिक्री पर कार्यवाही कर थाना क्षेत्र में हो रहे अपराध को अंकुश लगाने के निर्देशित किया गया था कि थाना प्रभारी सिमगा पुरुषोत्तम कुर्रे द्वारा थाना सिमगा में थाना स्तर पर एक टीम गठित की गई थी। दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को मुखबिर की सूचना के जरिए ग्राम हथबंद का सुंदरपाल ग्राम नैवदा तरफ से पैदल अवैध रूप से शराब ला रहा था, जिसकी सूचना पर मुखबिर से प्राप्त होने पर थाना सिमगा पुलिस ने राजेंद्र नेताम, अपने हमराफ स्टाफ आरक्षक शिव कुमार जलान, भरत बंजारे, विजय टोप के साथ द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर ग्राम नेवदा पुल के पास पहुंचकर घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़े जो अपना नाम सुंदरपाल बता रहा था, जिसके पास से रखे प्लास्टिक बोरी को चेक करने पर बोरी के अंदर 40 पाव देशी मदिरा मसाला कीमती 4400 रुपये को अवैध रूप से बिक्री करने के लिए ले जाते हुए मिला। आरोपी को शराब रखने एवं बिक्री के संबंध में धारा 91 जाफो का नोटिस दिया गया, जो आरोपी द्वारा शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज नहीं होना बताया गया कि आरोपी के पास 40 पाव देशी मदिरा मसाला 7.200 बल्क लीटर कीमत 4400 रुपये को वजह सबूत से मुताबिक जब्ती पत्रक के साथ जब्त किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाया गया है। गिरफ्तारी के कारण बताकर न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल बालोदा बाजार दाखिल किया गया।